पहले तो उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं थी कि क्या होता है, केवल सुना था नाम कंप्यूटर, कंप्यूटर की आदमी से दिया दिए हैं, आदमी तेज चलता है, उसका दिमाग तेज रहता है, इस तरीके से केवल एक मन में वो थी, वो थोड़ा डर था कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक टीवी की स्क्रीन है बस, उस पर सब कुछ होता है। ऐसा कोई उनका मतलब जो डर भाई था वो भी निकला है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उससे डरें भयभीत हो। लोगों को धीरे धीरे पता लगा। उसके बाद लोग यूँ समझते थे कि कोई स्क्रीन है या टीवी है या फिर फिल्में चलती होगी उस पर। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा अभी तक हम गांव के लोगों ने महादेव, कंप्यूटर पहली बार देखा ही नहीं था। जब जय नाम सुना था हमने कंप्यूटर है, टीवी में देखा था गणेश, जय कंप्यूटर है, गणेश लेकिन देव, जब वास्तविक स्थिति में हमको लगने लगा कि जय हाँ ये गणेश कंप्यूटर, इसको देवा, कहते हैं कि ये ढच्चा सर्व है, ये टेलीफोन, ये सुधारे, पूरा बना हुआ है, टीवी जैसा बना हुआ है, ये पृथ्वी कंप्यूटर है, सवार, ये देखा। उसके बाद जब सर्व हमारे गाँव में आया तो हमने उसको चलाना सीखा। सुधारे, चलाने के लिए उनको पूरी जय गणेश एबीसीडी उनके हम देवा, दबाने लगे जय तो हमको गणेश मालूम पड़ा ये देवा, कंप्यूटर है। पार्वती महादेव, दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे पर तिलक सोई मुसुकी सवार, मान चढ़े गणेश देवा। पहले बार गया था मैं अपने आप में मजाक समझी। हाँ देखो 5 रुपए देंगे, ये देंगे, वहां से फिर वहां जानकारी आ जाएगी, मतलब ये मजाक है। तो मैं हंसते हंसते मतलब ये क्या, अरे क्या होगा, अपन देखते हैं सही, ट्राई करके ऐसे ही चलेगा। ज्ञानदूत कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बड़ी बड़ी गणनाओं को हल कर सकता है। इसके माध्यम से करोड़ों सूचनाएं इकट्ठा किया जा सकता है। इनका आदान प्रदान और प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से हिंदी, गणित, अंग्रेजी भी ज्ञात किया जा सकता है। पहला मेरा कस्टमर था निराश्रित पेंशन, जो वृद्ध महिला थी, उनको करीब 5-4 माह से निराश्रित पेंशन नहीं मिल रही, जो 150 रुपये प्रति माह निराश्रित पेंशन सरकार देती है वो नहीं मिल पा रही थी उनको। तो उन्होंने अपने ज्ञानदूत में आके कंप्लेंट्स करी और उसके जरिए उनको 7 डेज में उत्तर मिला, और उनकी जो निराश्रित पेंशन रुकी हुई थी वो 7 दिन उनको मतलब अगले महीने से चालू हो गई उनकी। चालू आएगा मैंने पैसा दिए इंतजार पूरा ऑफिस में मिला और वहाँ राम भैया भी जीता। ये है ज्ञान दूत। माता जो कहवे वर जो नारा सी कहरे दुख दाता हर दाता पार्वती आ माता जो कहवे संग हमारा पिता है रे गणेश दाता हर दाता हाँ। पर मेरी माई लारे आशा तेरा कार्य पाप झड़ जाता है गुणेश दाता। ज्ञानदूत की सुविधाएं हम लोग हमेशा ग्रामीण जो हमारे इस्तेमाल करने वाले थे उनको नज़र में रख के चुनी गई हैं। एक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहते हैं, PRA एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग गांव वालों के साथ बैठकर उन्हीं के द्वारा बनवाते हैं कि ये गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ की परेशानियाँ आती हैं उनको और किस तरह से दूर की जाती है, की जा रही है। इस तरह की उनके बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने फिर उसे ज्ञानदूत के द्वारा हम कैसे आसान कर सकते हैं ये आपस में समझा, उसके बाद इसे चुना है जिनसे कि गांव वालों को अत्यधिक और फायदा हो सके। सबसे पहले तो हम हमारे बिजनेस के लिए सेवा लेते हैं। मेरा मुख्य धंधा बिजनेस से पहले, उसके बाद खेती है। तो हम बिजनेस में ज्ञानदूत के माध्यम से हमको भाव मिल जाते हैं घर बैठे। सिर्फ हमको घर छोड़ के ज्ञानदूत तक आना पड़ता है भाव लेने के लिए। और उसके पहले ज्ञानदूत तिरला में हमारा नहीं था, उसके पहले हमको धार जाना पड़ता, धार मंडी जाओ, इंदौर मंडी जाना पड़ता, जावरा मंडी, रतलाम मंडी, मतलब जिस मंडी में प्रॉफिट होता उस मंडी से भाव लेना पड़ता था। लेकिन ज्ञानदूत होने की वजह से हमको घर बैठे भाव तिरला में मिल जाता है। धीरे से डाल दिया, हमको बेनिफिट मिल गया, हमारा खर्चा बच गया, आने जाने का, पेट्रोल का, गाड़ी का पेट्रोल बच गया,
और दूरसंचार की जो हमारे टेलीफोन की व्यवस्था थी वो पैसा हमारा टेलीफोन का बिल वो पैसा बच गया। ये बेनिफिट हमसे ज्ञानदूत से हुआ हमको। अभी हम जैसे सुनते हैं पेपर में पढ़ते हैं मैगजीन पढ़ते हैं टीवी में वर्ल्ड समाचार में सुनते हैं अमेरिका में इतनी सोयाबीन पकती है फलाने देश में इजराइल में सबसे उच्च टेक्नोलॉजी अच्छी किस्म की खेती होती है तो हम भी उसका थोड़ा अनुसरण करें सीखे मार्केट के बारे में जानकारी लें कि भाई इजराइल वालों ने सोयाबीन पकाई कहाँ बेची है किस टेक्नोलॉजी से पकाई है कैसे उसने खेत तैयार करे। हमने सब सुना है कि इजराइल में सभी दूर कंप्यूटर क्लाइमेट के कंप्यूटर वगैरह की बहुत सहायता लेते हैं खेत में फसल में क्या कमी है कौन सी खाद किस समय में देना है कौन से स्प्रे करना है कितने समय में पकेगी ये तो ये चीज़ें जो हमको उन लोगों से मिलेगी यहाँ तो बताते हैं बाकी हम कुछ देखेंगे सभी जानकारी हमको बिल्कुल फास्ट मिलेगी तो उससे हम थोड़ा आगे और प्रोग्रेस कर सकते उन्नति कर सकते ये जो डच रहा है पुराना जैसे पुराने रीति रिवाज से करें एक दिन का काम हम चार दिन में करते हैं बेलों से तो वहाँ की जो सुविधा हम देखेंगे कि भाई ये चार दिन का काम एक घंटे में हो जाता है तो यह बहुत बड़ा फायदा है साहब हम भी उनके साथ मिल जाएंगे जुड़ जाएंगे परिवर्तन होगा इससे सब हमारी लाइन बन गई एक लाइन जुड़ गई सभी लोगों से ये सुपर फास्ट मिलेगा धर धर मरम लेता कानों में मिल जाता है मिल जाता हरे दाता हरे 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 दाता हरे हरे कर मेरे माला रे आशा मेरा कर अब ज्ञानदूत कंप्यूटर चलाता हूँ बहुत अच्छी पहचान हो गई वैसे नहीं तो पहले तो कोई पहचानता नहीं ना गाँव में कोई नहीं पहचानता था उससे अब क्या है कि एक माध्यम हो गया पहचान का कि ज्ञानदूत में नालसा ज्ञानदूत को होते हैं तो के महेश नालसा सोचा गया तो उससे पहचान भी हुई और इज्जत भी हुई बड़ी है और ये कि सब लोग मुझे जैसे पहले लालू बोलते थे अब लालू जी कह के बोलते हैं। हाँ हेलो दीपक लालू बोल रहा हूँ। अरे यार वो है ना मेरे को मंडी रेट्स चाहिए है और किसान लोग खड़े हैं यहाँ पे तो मेरे यहाँ लाइट नहीं है यार तो मैं उनको देना ज़रूरी है क्योंकि उनको अनाज वगैरह बेचने जाना है तो तू फोन पे दे देना मेरे को या फिर मैं होल्ड करता हूँ या फिर थोड़ी देर बाद इंटरनेट से कनेक्ट करके तुम दे देना तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा है ना। ठीक रखता हूँ। अभी मैंने फ़ोन लगाया था उसको तो वो बोल रहे कि अभी 5 मिनट से देता हूँ तो 5 मिनट बाद मैं उसको दे दूँगा। पहले ये होता था कि आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता था और अब यहाँ यह हो जाना था आदमी को एक बार में उसका लाइसेंस मिल जाता है। पता चला है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनता है क्या? हाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना। हाँ, हमको बनाना है और प्लस उसके पैसे बच जाते हैं पहले 1200 रुपये देना पड़ता था 200 रुपये में काम हो जाता है। यहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस 800 नाम हो जाता है फिर आपका 8-10 बजे आपका नाम आएगा मतलब बनता है कि चक्कर काटने ही है कुछ नहीं नहीं चक्कर नहीं काटना है। और ये जो 1200 रुपये पहले लगते ये जो आदमी बनवाता था लाइसेंस वो लेता था बाकी के रुपए बाकी 1000 रुपये उसके जेब में जाते थे कि मैं लाइसेंस बनवा रहा हूँ आपका। एक तरफ लोग ये मानते थे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक बहुत लफड़े का काम है। लाइसेंस बनवाने के लिए दीपक पटेल से पूछा इन्होंने बोला ठीक है बन जाएगा और यहाँ तो 2 मिनट के अंदर धार नाम चला गया IT ऑफिस के लिए और वहाँ पे ट्रायल दे के लाइसेंस बना के लेके आना और क्या। हाँ तृप्ति कैसे आना हुआ? आंगनबाड़ी की शिकायत लेकर आई। तो क्या नियमित नहीं लग रही है? रेगुलर नहीं लग रही 8-10 दिन हो गए कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है आपकी शिकायत हम जिलाधार पहुंचा देंगे ज्ञानदूत के माध्यम से इसके द्वारा आपको जो आंगनबाड़ी नियमित नहीं हो रही है और नहीं लग रही है उसका आपको हल मिल जाएगा और कलेक्टर साहब आपकी शिकायत का उत्तर 7 दिन के माध्यम से ईमेल के द्वारा छपाया जाएगा। पिछले 3-4 महीनों से मैं यहाँ आ रही हूँ। क्यों आई? कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना था। आज की दुनिया में यदि कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता तो आप अनपढ़ हैं इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था ज्ञानदूत का तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ आ रही थी।
आज गोवर्धन पूजा है, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजा के आज के दिन लोग अनेक सारे ढेरों गाय के नीचे लोगों लेट जाते हैं, और वही लोग हमारे सूचनालय में आके, जो हमारी सरकार की देन है, गांव-गांव में कंप्यूटर कर दिया उन्होंने ज्ञानदूत सूचनालय, और वही लोग मंडी के भाव खसरा नकल लेने आते हैं, तो बहुत सोच के वह आश्चर्य होता है कि लोग कैसे आते हैं, और वह जानकारी मतलब कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं कि कैसे हुआ। ये एरिया जो ये क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, और पिछड़ेपन के कारण यहाँ पे सूचना का अभाव है, नई नई जानकारी का अभाव है, यानी विश्व की जो नई नवीनतम जानकारियाँ हैं उनका अभाव इस क्षेत्र में है, और वो सब तक पहुँचेगा तभी हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास हम कर पाएंगे। इसलिए ज्ञानदूत सूचनालय एक कहा जाए कि वरदान सिद्ध होगा इस एरिया के लिए। These are three women who actually came for with a complaint regarding pension scheme beneficiary. Well, I'm representing Media Lab Asia, which is a new organization in India that is interested in high technology in the service of rural villages. And so one of our charters is to learn from projects like this what works and what doesn't work, and then to collaborate with them to improve their technology, to reduce the price point, to add other services, and to help spread this to other parts of India and Asia. Then institutions like ISRO, MIT. और कैसे हैं? बस गाड़ी की जानकारी। गाड़ी की? गाड़ी खरीदनी है। तो यहाँ ज्ञानदूत के माध्यम से लेना है? हाँ, जानकारी। कौन से? ठीक है, तो मैं आपकी जो टीवीएस स्कूटर की जानकारी इस सूचनालय के माध्यम से सभी सूचनालय पर चली जाएगी, सभी सूचनालय पर उसकी जानकारी पहुँच जाएगी, तो जो जिसके वहाँ पे सूचनालय पर जानकारी मतलब टीवीएस स्कूटी होगी वो आपको यहाँ पर सूचना दे देंगे, और आप जाके वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी पहुँच जाऊँगा। कॉलेज दूर पड़ता है, इसलिए कॉलेज जाने के लिए गाड़ी खरीदनी थी, तो जब सेकंड हैंड गाड़ी लेनी थी तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है इतनी बाहर से, तो मैं सोचा ज्ञानदूत पर तो सब जानकारी मिल जाएगी, तो ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। Well, it's quite impressive. I mean, Gyandut is well known in the kind of amongst rural IT programs. The fact that they're self-sustaining these facilities with kind of fee-for-service model, the fact that they clearly have a lot of traffic through this office is very impressive. 50 people, 30 people a day, that kind of stuff. Really sets it off from a lot of the related projects in other parts of India or the world. I was just asking this gentleman what he'd like to be when he grows up. So what would you like to be when you grow up? I want that I would be a good person. A good person, all right. What else? More public would be demanding so much and you cannot not have to. I have the poor person. I will have the poor people. How are you going to help the poor people? Tomorrow you have a team. By giving them something. Giving them what? Money or any other things. We should be helpful to them. What's is there anything else besides money you want to give them? Yes,
Food? Uh-huh. How about education? How about teach them all the computer things that you know? I will teach them computer also. That's great. मैं गया वहाँ ज्ञानदूत में, हमारे मित्र है दीपक शर्मा, मैंने कहा दीपक शर्मा वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा और दीपक भैया क्या चल रहा है कैसे क्या। ज्ञानदूत यार मैंने सुना है यार यहाँ पे सारी भाव वगैरह की या सारे प्रमाण पत्र वगैरह सभी यहीं बन जाते हैं, तो उन्हें क्या अभी तक तेरे को नहीं मालूम यहाँ पे। मैंने मैं पहली बार ही आया यार, पहली बार आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये सब मतलब पापा को बताते हुए बता रहा हूँ, तो मैंने कहा ये आपको मेरे को मालूम नहीं था ये यहाँ पे व्यवस्था है, तो मैं वहाँ गया और फिर उनको बताया मैं दीपक भैया मेरे को यार धनिया बेचना और धनिया मेरे 2000 रुपये ही मांग रहे हैं। तो यार दीपक भैया आप बता सकते हैं यार कि नड़ियाद में धनिया का क्या भाव है। उनने कहा 200 रुपये एक डेली टाइप पोटली टाइप आती है गांव में, पोटली एक 200 रुपये पोटली आ रही है वहाँ पे नड़ियाद में, मतलब इस हिसाब से तो 18000 रुपये भाव होना चाहिए अपने धनिया का, और ये अपना 2000 ही बता रहे यार दीपक भैया। तो फिर हमारे व्यापारी यहाँ पे वासुदेव पाटीदार करके उनके पास गए, मैंने कहा यार गलत भाव बता रहा, और आपको लेना है तो यूँ ले लो आप, वो वाली बात नहीं, पर एक इंसानियत के नाते तो कम से कम सही भाव तो आप ऐसे बता रहे जैसे हमने कभी नड़ियाद देखा ही नहीं है, मंडी में देखी हम भी आज ही भाव तलाश करके, और ये लो आप उसकी रिपोर्ट की क्या भाव है। मैंने उसी व्यापारी को ऐसे ही बताया, तो व्यापारी ने कहा तेरे को किन्ने दिया, गलत है सब ये। मैंने कहा का गलत भैया तेरे को विश्वास नहीं, तू भी 5 रुपये दे और चल और देख ले कि क्या भाव मंडी बिक्री है। फिर उनने फिर वहाँ गया कि हाँ वाकई में सही, फिर उनने मेरा धनिया 13000 रुपये में खरीदा। शराब की दुकान डली थी यहाँ से, किसी ने बताया कि ज्ञानदूत की शिकायत करो तो दुकान हट जाएगी शराब की, तो यहाँ से फिर शिकायत करी ज्ञानदूत से, वहाँ से फिर 10 दिन बाद दुकान हटा दी गई। पूरा प्रशासनिक तंत्र है, जैसे जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनके काम करने का ढंग बदल गया है, उनको पता है कि अगर हमने कुछ भी लापरवाही की तो उसकी शिकायत ज्ञानदूत में हो जाएगी। घर भर मरम लेता कानों में मिल जाता है ये, जैसे हम पहले जजमान लोग हमारे पास आते थे हम उनकी जन्म कुंडली बनाते आते थे, आजकल लोगों के विश्वास पे उनके कंप्यूटर की चाहिए, तो इसलिए हम ज्ञानदूत में ले जाके उनकी पत्रिका बनवाते हैं, और उसी में जो हम पहले बात बताते थे वही कंप्यूटर में आजकल बात नहीं उनकी उससे ही मिलती है, जैसे लोगों को कंप्यूटर पे विश्वास होने लगा कि उस पे कंप्यूटर की पत्रिका होना जरूरी। गांव में कंप्यूटर से जन्म कुंडली निकलवाना पहले नहीं निकलवाते थे, पहले पंडितों से निकलवाते थे, अब क्या है कि कंप्यूटर आ गया है तो कंप्यूटर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पे कुछ एक दो ने पत्रिका निकलवाई थी शुरू शुरू में, फिर उनको दिखाई तो उनने मतलब कम से कम 100 पत्रिका निकाल दी यहाँ से। मैंने हमने पहले बनवाई पंडित से, फिर इनसे बनवाई ज्ञानदूत में, फिर वापस पंडित को बताई जन्म कुंडली, तो उनने बताया कि हाँ ठीक बिल्कुल सही बनी है, इससे हमको विश्वास हो गया कि ज्ञानदूत अच्छा कार्य कर सकता है। फायदा घर बैठे वहां मिल जाता है नहीं अपने को, कोई सूचना लेना है या अगर मान लो शिकायत करना है या कलेक्टर के यहाँ जाना है तो अपन यहाँ से कर सकते हैं ना, कंप्यूटर ने आवेदन दिया कि वहां मिल जाते हैं, खाते खतरे की नकल लेना है तो मिल जाती है, वो पटवारी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। कभी कभी जाता हूँ मैं कंप्यूटर देखने के लिए, बताता है बच्चा दीपक कि ऐसे चलाना ऐसा करना, ये बटन दबाने से ये भाव मिलता है या ऐसा करता है। 75 रुपया हो 10 ग्राम, हाँ, और 10 रुपया का लेबर चार्ज लगी जाएगा। हाँ, लेबर चार्ज लगता है। हमारे बच्चों को भी हमने कंप्यूटर देना है, हमने निजी भी खरीदा और पंचायत का भी वो भी चलाता, उनके लिए कंप्यूटर उनकी परेशानी सुलझाने वाला, उसकी वो हमारी कोई समस्या है तो सुलझाएंगे, पंचायत की कोई समस्या है तो उसको देख लेगा, जिले से कोई हमको समस्या आए तो वो उसको सॉल्व कर देगा।
तेनालीराम बच्चों को जिज्ञासु बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हमारा एक सुविधा है, और इसमें ये असल में एक मुफ्त सुविधा उन्होंने दिया बच्चों को जिज्ञासु बनाने के लिए। इसमें प्रश्न की विविधता इस प्रकार से अनुमान लगाई जा सकती है, जैसे कि हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी। हनुमान जी की पूंछ कितनी, व्यक्ति सोचते समय सिर क्यों खुजलाता है, तो गांधी जी अपना की मृत्यु के बाद कौन सा व्यक्ति था जिसने टेलीप्रिंटर में उनका मृत्यु की खबर पूरी दुनिया को फैलाई थी। इस तरह के विविध प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। वहाँ पे आने में हमें अच्छा लगता है और बहुत सी जानकारी मिलती है। बाकी हम लोग यहाँ पे स्कूल में ज़्यादा देर रुकते हैं, यहाँ पे अच्छा सीखते हैं, और स्कूल में भी यहाँ पे आने में अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम यहीं पे बिताते हैं। इसलिए इवन जैसे कैरियर के संबंध में, हम गणित हैं या हमारी विज्ञान है, तो हम कैसे उस किसी खास विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, हर तरह के प्रश्न। एक छोटा सवाल और भी है कि आपको 20 आइटम लेने हैं और 20 रुपए में ही लेने हैं, जिसमें कि 50 पैसे की चम्मच है, 50 पैसे की कटोरी है और 4 रुपए की प्लेट है, तो अपन को कितना सामान कितना लेंगे? सर मुझे क्योंकि मैं ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बहुत सी दिक्कतें आती है पढ़ाई में, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकूँ, तो अपने पढ़ाई को अच्छे से अच्छी तरीके से सामान्य स्टूडेंट के साथ करना चाहता हूँ। डॉस में कितनी कमांड्स होती हैं? पहले तो जो है टीवी पर देखा था कंप्यूटर इंटरनेट पर, इनके बारे में कुछ पता नहीं था, और जैसे पता चला कि नालसा में ज्ञानदूत सूचनालय खुला है, तो हम यहाँ आए और कंप्यूटर चलाया तो बहुत अच्छा लगा, और इसी से प्रेरित होकर फिर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो वहाँ जाके को प्रैक्टिकल्स करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहा हूँ, उसमें एक प्लेन आके टकराया। क्योंकि यहाँ के जो उनके पालक गण या गार्जियंस हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे अपना इंटरेस्ट जाहिर करके उन तक जाते हैं और बोलते हैं आज हमने स्कूल में ये सीखा और इसके माध्यम से हमें ये चीज़ें मिली, तो पालक की भी इच्छा होती है। कई बार कई पालक भी आते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या है, यानी ये वास्तव में डब्बा है या कुछ चीज़ देखने का, तो कई बार ये कोशिश करते हैं ये, तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही ज्ञानदूत। सर कह सकते हैं हमने कंप्यूटर देखा है, हमारे गांव में एक कंप्यूटर है और हमारे बच्चे सीख रहे हैं कंप्यूटर, हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, मतलब तरह थोड़ा ऊंची गर्दन करके बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ है। वो सुविधा जो आज तक लोगों को एक दौड़ भाग करने में था, तो वो मैं उनको वहीं बैठे बैठे दिला रहा हूँ, और ये भी चीज़ मेरे लिए भी नहीं है कि मैंने भी नहीं देखी कि एक बैठे बैठे यहाँ से ईमेल वगैरह कर रहे हैं और वहाँ से जवाब आ रहा है। गांव के लोगों की जागृति बढ़ेगी और बाहर की चीज़ें गांव के लोगों को देखने को मिलेगी, कंप्यूटर से देश से विदेश से बाहर की चीज़ें मिलेगी हमको देखने के लिए, भी किरला के बाहर ऐसा होता है। आगे इसी क्षेत्र में और आगे बढ़ना, ज्ञान दूत में और सुविधा जैसे महानगरों में ईमेल इंटरनेट, मतलब जो सीधी बात थ्रू बात हो जाती है बहुत कम समय में और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, वो सुविधा भी चाहिए। ज्ञानदूत में रह के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं आगे इसमें एक इंस्टीट्यूट के रूप में बढ़ाना चाहता हूँ इसको, ताकि कम से कम यहाँ के ग्रामीण के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस कंप्यूटर को सीखे, कंप्यूटर का नॉलेज ले।